सर अंधेरी में एक ऑफिस है। हाँ। ये सर अक्टूबर 14 अक्टूबर को उन्होंने भेजा था, तो हम 14 अक्टूबर को यहाँ आए थे वो विदेश भेजने के 2000 कभी की बात है ये, कितने साल अभी अभी सर अभी 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 14 अक्टूबर को हम लोग आए थे। हाँ। उस ऑफिस में बात हुई थी, जब हम लोग दोबारा आए तो जाने के बाद ऑफिस वाले जिनकी ऑफिस थी उन्होंने बोला कि इस बंदे को हमने रेंट पे दिया था, वो बंदा यहाँ पर नहीं है। क्या नाम है उसका जिसको पैसे दिए क्या आपने? जी जी, ये पैसे इस अकाउंट में टोटल 5 लोगों का है सर। कितने पैसे दिए आप लोगों ने? ये सर लिखा हूँ सर इस पे 61,000 एक का है, एक का 60,000, एक का 55,000। इस मतलब आपको ये किसने यहाँ पे भेजा कि बाबा ये आदमी को जाके मिलो, आपको पैसा दे दो तो काम हो जाएगा, ऐसा किसने बोला था आपको? व्हाट्सएप पे भेजते उसमें आया था आपको? हाँ, इस कंपनी तो आप खुद जाके मिले थे वो आदमी? नाम क्या था आदमी का? नाम राकेश प्रताप, राकेश कुमार गुप्ता सर। राकेश कुमार गुप्ता, वो भी यूपी का है क्या सर? यूपी के ही बताया था उधर, लेकिन यहाँ रहता है जी। हाँ, पे थाना में? नहीं सर, उसका एड्रेस नहीं पता। तो कहाँ पे मिले आप? इस ऑफिस में, बहुत बड़ी ऑफिस। अरे इस ऑफिस में मतलब कहाँ पे आया? अंधेरी में। अंधेरी में मिले आप लोग? अंधेरी में। हाँ, अंधेरी में गए। उसका फोटो है? नहीं सर, वही तो धोखा। अरे फोटो तो रखना चाहिए ना आप लोग? वो खाली वो मोबाइल नंबर है, बात कर रहा है सर अभी। हमने बोला कि जो भी आपका चार्ज है काट के आप दे दीजिए हमारा पैसा। क्या बोलता है फिर वो? तो बोलता है टिकट का पैसा कटेगा, ये वो बोला बना, जो कि टिकट भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया आपको, सिर्फ पासपोर्ट। तो आपको डुप्लीकेट वीजा वीजा दिया? हाँ, व्हाट्सएप पे है सर। आपको भेजा था उधर? नहीं, डुप्लीकेट वीजा दिया और तभी पैसे मांग के लिए कि बाबा अभी टिकट कन्फर्म हुआ है और अभी आपका वीजा आया, पैसे दे दो बचे हुए, ऐसे ही हुआ ना जी। तो फोन उठा रहा है सर, तो बोल रहा है कि 15 दिन के बाद हम रिटर्न करें। हमने बोला मुंबई में उसको मारना पड़ेगा, और सर हमने बोला कि मुंबई में अपना कोई नहीं सर, हम लोग आपका नाम लिया था ऑफिस में, नाम लिया था सर। मैं आपको फेसबुक वगैरह पर हमेशा देखता हूँ आपका वीडियो। मैं ऑफिस में बोला था कि मैं सर के पास जाऊँगा, तो जो बंदा था ऑफिस में रेंट पे देते उन्होंने बोला अरे वैसे भी तो धोखाधड़ी होता है सबके साथ। मैंने बोला आपके ऑफिस में जब वो थे तो उनका वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह होगा ना? बोलते जैसे आप दुकान में चाय पी के निकल जाए जाते हो तो रिकॉर्ड नहीं रहता, उसका भी रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। मैं बोला सर ऐसा कैसे, आपका कार्ड विजिटिंग कार्ड यूज़ करा? बोला वो हमारे कार्ड पर अपना नंबर डाल दिया गलती से, ऐसा तो ये दुकान ये शॉप ऐसी है क्या? हाँ, ऐसी मालिक कोई और है, ये नंबर उसका जिस बंदे ने हमारा पैसा लिया। लेकिन विजिटिंग कार्ड में ये लिखा है, ऑनलाइन में ये लिखा हुआ है जी। ये अंधेरी में कहाँ पे ऑफिस है? इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी मॉल के अंदर है क्या? जी जी, वो एंट्री करके मिल के आया उनसे, बोला मॉल के अंदर है। तो वो बंदा अपने को बताता मैं पूना में हूँ, यहाँ हूँ, ऑनलाइन भी होता है, व्हाट्सएप पे भी बात हुई। मैंने बोला सर वो जो जिस आदमी ने आपसे पैसा लिया उसका अकाउंट नंबर कौन सा है? ये वैशाली सिंह के नाम से ट्रांसफर सब हम लोग किए। ये किसी और नाम से? हाँ, ये बोला कि हमारे। तो अभी क्या होगा, दिक्कत क्या होगा मालूम है कि इन्होंने तो मेरे को पैसा दिया ही नहीं। वो बोल रहा है ना कि पैसा बात हुई है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप पर्सनली मिले हो उसको? हाँ, पर्सनली मिला हूँ। और सर एक गलती के फोटो हम लोग नहीं खींच पाए, दबोच नहीं लिखा था ना, 5 आदमी मिलके एक आदमी को पकड़ लेते थे, मार लेते थे। इस समय नहीं मिल रहा है, वही लिया था, बोला कि यहाँ सारे बंदे आते हैं। पकड़ेंगे तो मारोगे? नहीं सर, हम लोग ऐसे करेंगे, हम लोग कभी लफड़े में नहीं पड़े हैं सर, तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो दीवा मेरे भैया रहते हैं, मैं उनके पास रहता हूँ, एड्रेस मेंशन किया हूँ। तो अभी मैं ढूंढूँ कहाँ पे, ये तो बताइए आप, कहाँ मिलेगा वो? फ़ोन उठा रहा है सर, तो गोल गोल घुमा रहा है, तो ये अकाउंट नंबर अंधेरी का ही है सर। मैं पूछा ये मैडम का, तो बोला कि ये मैडम भी हमारे ऑफिस में काम करते हैं। उधर पता करने गया, अकाउंट में गया पूरा पैसा, पूरा टोटल ट्रांसफर किया है इसी में, अंधेरी में। ये अकाउंट जी ये काम करती है बैंक में? अब बैंक में नहीं, उसने बोला था हमारे ऑफिस में, तो हम लोग जब पैसा बैंक से डाले गांव से, बात किया तो बोल रहा है कि हमारा ऑफिस है। मैं बोला ऑफिस आपका किधर है? तो सामने आई, ये वीडियो कॉलिंग उठाता नहीं है सर। अच्छा, दे दो आपका एप्लीकेशन किधर है, मुख्यमंत्री साहब के नाम? हाँ, ये लिखा ना सर, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा आप। ये आपका काम जरूर करूंगा, उसको पकड़ूंगा भी, लेकिन थोड़ा समय। टोटल एड्रेस है सर, आपके जितने भी आपने पैसे भरे हुए सब मैं उनसे आपको दिला दूंगा, आपके सामने उसको मारूंगा भी।
ताकि यूपी में जाके आप बताइए कि मुंबई में ऐसा कुछ क्राइम होता है तो हम खड़े रहते हैं आपके लिए, समझे कि नहीं? सर हम आपको अकेले में छोड़ेंगे नहीं, आपको पूरे फैमिली में आपका फोटो हम दिखाते हैं सर, पूरे फैमिली में, यूट्यूब पे हम लोग देखते हैं, फेसबुक पे भी आपको। मैं यूपी बिहारी को मारता नहीं हूँ, जो गलत काम करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं उनको सपोर्ट करता हूँ। हाँ वो सर, समझे कि नहीं? तभी हम आपके पास आए। आप डरिए मत, आजमगढ़ से आए हो तो हमारा प्रणाम बोलना वहाँ सबको सर। हम आपका काम करेंगे, हमारे गांव में चर्चित हैं सारे जो लड़के हैं मुंबई आते जाते ना, आपका वीडियो देखते हैं फेसबुक पे सर। तो मैं इसको पकड़ने की कोशिश करूंगा और ये लड़की को पहला ढूंढते हैं अपन। जी सर। क्योंकि ये क्या होता है, आप लोग जहाँ से भी बाहर से आते हैं ना, यूपी बाहर बंगाल से, तो ये इनको टारगेट करते हैं। क्योंकि आप लोग बार बार आ नहीं सकते ना, तो पैसा भूलना पड़ेगा। तो ऐसे लोग आप ही लोगों को टारगेट करते हैं, मुंबई के लोगों को टारगेट नहीं करते, क्योंकि मालूम है रोज़ मिलना जुलना होगा आपको, तो दिक्कत होगी ना आने जाने के लिए। जिनका सर ये विजिटिंग कार्ड है वो अभी उपस्थित हैं अपने ऑफिस में, उन्होंने बोला अरे कुछ नहीं होगा। मैं बोला सर गलत हमारे साथ हुआ, आपके ऑफिस में वो थे तो आप रिकॉर्ड उनका दे दीजिए। आपका पैसा आपको मिलेगा, थोड़ा समय लगेगा मेरे को चलने के लिए, मैं लेकिन आपको बुला बुला के पैसा दिला दूंगा।